तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर स्लैम 2024 के बारे में। और फाइनली फाइनली रोमन रेंस कैरेक्टर अब हो चुका है WWE के अंदर। और आज समर स्लैम के मेन इवेंट के हवाले से ये वीडियो होने वाली है, जहां पर कोडी रोड्स जो थे वो अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। और आज का मैच जो था, जब मैच स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही सोलो सिकोवा जो थे वो कोडी रोड्स के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हावी, और यही चीज़ हमें काफ़ी टाइम तक देखने को मिली। पहले 5-10 मिनट मैच के अंदर सोलो सिकोवा जो थे वो कोडी रोड्स के ऊपर उनका काफ़ी अपर हैंड था, और उसी दौरान हमें रिटर्न देखने को मिला केविन ओवेंस का, जो कि आए कोडी रोड्स की मदद के लिए, क्योंकि ये मैच जो था वो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच था और कोई भी सुपर स्टार इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता था, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और इसी मैच के अंदर हमें केविन ओवेंस के बाद रैंडी ओकन का रिटर्न भी देखने को मिला, जिन्होंने आकर कोडी रोड्स की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सोलो सिकोवा और न्यू ब्लड लाइन जो थी वो कोडी रोड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी थी। और जब मैच बिल्कुल एंडिंग मोमेंट के ऊपर जा रहा था तो वहीं हमें हेड ऑफ द केबल द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने आते साथ ही सुपरमैन पंच लगाया सोलो सिकोवा को और उसके बाद स्पेयर लगाई, और बाद में कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगा के उस मैच में जीत हासिल कर ली सोलो सिकोवा के ऊपर और अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रिटेन कर लिया। जैसा कि हमें पता था कि समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है, जबकि रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस अपना टाइटल हारे थे, उसके बाद से ही रूमर थे कि समर स्लैम वो पेपर व्यू होने वाला है जहाँ पर रोमन रेंस फाइनली रिटर्न करेंगे। और आज रोमन रेंस अपना रिटर्न कर चुके हैं समर स्लैम के अंदर, और हमें एंडिंग मोमेंट्स में ये भी देखने को मिला जहाँ कोडी रोड्स भी एक तरह से एक्नॉलेज कर रहे थे रोमन रेंस को, और सोलो सिकोवा जो थे वो साइड पर बैठ के गुस्से में चीख रहे थे क्योंकि उनका जो टाइटल WWE चैंपियनशिप जीतने का सपना था वो अब टूट चुका है। और अभी आगे जाके जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, इस पर भी हमें रोमन रेंस को रिटर्न करते हुए देख सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोमन रेंस ऑन द माइक ब्लड लाइन को कंफर्म करें और साथ में पॉल हेमन भी हो। बारह इसके हवाले से जैसी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को साथ वीडियो में शेयर करूँगा। और समर स्लैम के हवाले से एक पूरी डिटेल वीडियो जो है वो भी शाम तक चैनल के ऊपर आने वाली है। मिलता हूँ आप लोगों से समर स्लैम के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।